हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और हम पढ़ने लग गए थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस, यानी ऑडिट को कैसे परफॉर्म करेंगे। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है एविडेंस कलेक्शन एंड इवेल्यूएशन, यानी एविडेंस को कैसे कलेक्ट करेंगे, एविडेंस को कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो बेसिकली हमारी स्टडी कहती है कि जो डिलीवरेबल होगा या एंड प्रोडक्ट होगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, वो होगा आपका ऑडिट रिपोर्ट होगा। ऑब्वियसली एज अ ऑडिटर आप क्या करते हो, ऑडिट रिपोर्ट देते हो। आपका काम क्या होता है, ओपिनियन देना। ओपिनियन कैसे दोगे, एक फॉर्मलाइज्ड एक फॉर्मेट में दोगे, एक रिपोर्ट दोगे। आप बेसिकली अपनी ओपिनियन एक रिपोर्ट के रूप में दोगे, उसे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी ये ऑडिट रिपोर्ट देता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक पर्टिकुलर एसेट के बारे में ज़्यादा चिंतित होता है, वो ज़्यादा सोचता है, उसका नाम है इन्फॉर्मेशन एसेट। और उस इन्फॉर्मेशन एसेट के पीछे जितना भी सिस्टम है, जितना भी जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट है और कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, वो सारी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। और उसका काम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट देना होता है। इसी के रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट देना होता है कि ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा इन्वायरमेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर्स वो अप्लाई करता है, और ये देखता है कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम सारे थ्रेट्स को मीट आउट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स को मीट आउट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और सारी थ्रेट्स को मीट आउट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये देखेंगे, ये आपको आप देखेंगे और ऑडिट रिपोर्ट देंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बोला, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एसेट है जिसका वो ऑडिट कर रहा है, और उसको उसका स्पेशलाइजेशन करना है उस पर्टिकुलर एसेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्किल की ज़रूरत है, आईटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्किल की ज़रूरत है। तो उस स्किल का मास्टरी अगर एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है तो वह इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर सकता है, और कुछ समय करने के बाद उसको कुछ एक्सपीरियंस के बाद वो उस एरिया का मास्टर हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एरिया के बारे में उसे पता है, बाकी कंट्रोल्स के बारे में उसे पता है, और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं, लॉ होते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में उसे एक पर्टिकुलर लेवल की नॉलेज है। और चूंकि उसे एक पर्टिकुलर लेवल की नॉलेज है तो वो इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है। तो बेसिकली क्या कर, वो कहाँ से उसका जो वो रिपोर्ट देगा, ओपिनियन देगा, बेसिकली ओपिनियन किस फॉर्म में देगा, रिपोर्ट देगा, और वो किसी चीज़ पर बेस्ड होगी, वो किस चीज़ पर बेस्ड होगी, ऑडिट एविडेंस पर बेस्ड होगी। मतलब रॉ मटेरियल जो ऑडिट रिपोर्ट का है वो आपका ऑडिट एविडेंस है। तो उसी ऑडिट एविडेंस के बेस पर अपना जजमेंट देगा, ऑडिटर अपना जजमेंट देगा, लेकिन उसके पास ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस होना चाहिए तो उसके लिए क्या है कि यही रीज़न है कि ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखता है। कोई भी बिग फोर या अच्छे अर्नस्ट एंड यंग, KPMG या इसके अगर आप ऑडिटर को देखो तो वो क्या करता है कि ऑडिटर वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन रखता है, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन रखता है। आज की डेट में क्या है कि पहले वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन रखता था, फाइल्स बनाता था, अच्छी तरह से उसे लेबल करता था और डॉक्यूमेंटेशन करता था। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके पास फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जिसमें उसने कहा कि जी अपने एग्रीमेंट्स दे दो, कॉपी पेस्ट किया, अपने पास सारे एग्रीमेंट्स रख दिए उसने। तो ऑडिट एविडेंस जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें ऑडिटर रिलाई करता है और उसी के बेसिस पर अपनी ओपिनियन देता है, यानी कि अपनी ओपिनियन देने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कल की डेट में उससे पूछा जाए कि भाई साहब ये ओपिनियन कैसे दे दी आपने, तो वो उसके पास फैक्ट्स हों, डॉक्यूमेंटेशन हो, वो कहें जी ये डॉक्यूमेंटेशन थे, इसके बेसिस पर दी। बिना डॉक्यूमेंटेशन, बिना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, बिना मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन, चाहे किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन हो, वो अपनी ओपिनियन नहीं देगा। वो ओपिनियन जो है, जो इसीलिए कहते हैं कि ऑडिट एविडेंस में दो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस ऑडिट एविडेंस में होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद उसी ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर अपनी वो ओपिनियन देगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है, ईसा जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो हम ऑडिटर बनेंगे उसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी,
और आज की डेट में हम उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। आज से कई साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला था कि पेपरलेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट दिया था। पेपरलेस ऑफिस उतना नहीं हो पाया लेकिन अब होने जा रहा है, हम उस पेपरलेस ऑफिस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, पुराने लोग होते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो जो पुराना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इवन आज की डेट में जो नॉर्मल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं तो वो आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। आपको किसी अपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट, पेपर बेस्ड एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करें, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करें, एग्रीमेंट बन गया और वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो गया। आज की डेट में ये फैसिलिटीज़ हैं लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ की अवेयरनेस नहीं है अधिकतर कंपनीज़ को। तो अधिकतर कंपनी उसको ये पता नहीं है कि पेपर एग्रीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, डिजिटली साइंड एग्रीमेंट। एक तो आपने पेपर एग्रीमेंट किया, साइन किया, उसकी स्कैन कॉपी रखी, वो चीज़ नहीं। आज की डेट में पहला स्टेप किया जाता है, पहला स्टेप क्या किया जाता है कि एग्रीमेंट होते हैं आपके, एग्रीमेंट रख लिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर पेपर एग्रीमेंट रख लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर जो अलमीरा या पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग अलमीरा, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें रख दिए जाते हैं और उसके स्कैन आपके पास रख लिए जाते हैं और स्कैन का आप यूज़ कर रहे होते हैं, स्कैन ही ऑडिटर को देख रहे होते हैं, कभी उसको वेरीफाई करना है तो वो उन एग्रीमेंट्स को देख सकता है, मतलब पेपर एग्रीमेंट है कि नहीं है वो देख सकता है, उनकी पूरी इन्वेंटरी वो देख सकता है। लेकिन उससे भी एक आगे की चीज़ है और वो चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली साइंड एग्रीमेंट, यहाँ पेपर एग्रीमेंट हुई नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली साइंड हो, डिजिटली सिग्नेचर साइंड है, यानी कि उधर से उसने जो क्लाइंट है उसने अपनी पब्लिक की से उसे इनक्रिप्ट कर दिया, उस एग्रीमेंट को सॉरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया, वो पब्लिक, उसकी पब्लिक की से कोई भी खोल कर दे सकता है। उसके बाद हमने उस एग्रीमेंट को देखा, हमने भी उसे अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया, उसके इंक्रिप्शन के बाद हमने इंक्रिप्शन लगा दिया, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति उसको देखना चाहेगा, उस एग्रीमेंट को देखना चाहेगा, उस इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को देखना चाहेगा, तो हम दोनों की पब्लिक की उसे उठानी पड़ेगी जो कि अवेलेबल होगी। प्राइवेट की हमने जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स के एरिया सर्टिफिकेट्स वगैरह डिजिटल सिग्नेचर्स के चैप्टर में पढ़ा, तो प्राइवेट की तो मेरे पास होगी और जो दूसरा वाला बंदा होगा, अगर हम दो बंदों के बीच में एग्रीमेंट, मतलब टाटा या रिलायंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो टाटा की प्राइवेट की टाटा के पास होगी, रिलायंस की प्राइवेट की रिलायंस के पास होगी, लेकिन टाटा की पब्लिक की और रिलायंस की पब्लिक की सारी दुनिया को पता होगी। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो उसकी वेबसाइट में वो नज़र आ जाएगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, सर्टिफाइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा लीगली बैक्ड होगी, यानी कि ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट उसके लिए वाउच करेगी कि ये हाँ ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और उसके पास टाटा की पब्लिक की है और आपके रिलायंस की पब्लिक की है। तो आज की डेट में आराम से ये हो सकता है कि एग्रीमेंट जो है उसमें दोनों की पब्लिक की अवेलेबल होगी, दोनों अपनी प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट करें और पब्लिक की से दोनों की पब्लिक की उठाकर कोई भी उस एग्रीमेंट को देख लें, दोनों पार्टी उस एग्रीमेंट को देख लें, ये आराम से हो सकता है। लेकिन अभी वो सेंसिटिवनेस वो ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज नहीं आया है। तो कह सकते हैं, अगर इसे समराइज करें तो कह सकते हैं जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं और कुछ एविडेंस मैनुअल भी हो सकते हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं दिखाई देगा और वहाँ पर आपको मैनुअल ऑडिट भी, मैनुअल जो है एविडेंस भी लेने पड़ेंगे। और क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जा रहे हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आपके जो एविडेंस होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या हो सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में? लॉग्स हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन लॉग्स हो सकते हैं, जब आप जाओगे तो ट्रांजेक्शन लॉग्स देखोगे और लॉग्स की महत्वपूर्णता बढ़ती चली जा रही है, लॉग्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। आप आज की डेट में ट्रांजैक्शन लॉग्स की बातें ज़्यादा सुनते होगे, वो क्यों सुनते हो ट्रांजैक्शन लॉग्स की? पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ज़्यादा होता था, क्योंकि आदमी होते थे तो उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता था कि ये तेरा काम है वो काम है। आज की डेट में मशीन है, वो ऑटोमेटेड है, 100 आदमियों का काम 2 आदमी कर सकते हैं आज की डेट में, और यही कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो चीज़ों की कॉस्ट कम करेगी तभी आदमी को सस्ती चीज़ मिलेगी, तो बेसिकली और वो काम एफिशिएंटली होगा।
मतलब विदाउट फ्रॉड होगा, एरर्स हो सकते हैं, एरर्स भी मशीन बहुत कम करती है, अगर मान लिया उसमें वायरस वगैरह आ गए तो वो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटेग्रिटी लॉस हो सकती है, एरर्स आ सकते हैं, अदरवाइज एरर्स आने के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। एक बार सिस्टम एक मेच्योरिटी आ जाए, सिस्टम मेच्योरिटी लेवल पर पहुँच जाए और वो काम करने लग जाए, अगर कोई ERP हो कुछ हो, वो एक लेवल तक काम करने लग जाए तो वो मेच्योर हो जाता है सिस्टम, और एक बार सिस्टम मेच्योर हो जाता है तो वहाँ पर आपके एरर्स भी होने बहुत कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, साल में एक आध दो 10 एरर्स आ गए तो आ गए, नहीं तो वो भी नहीं आता है ऑनगोइंग, अगर अगले ईयर में वो भी नहीं आएगा। तो बेसिकली लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड होता जा रहा है, लॉग्स हम देखेंगे। उसके अलावा अकाउंटिंग लॉग्स देख सकते हैं, ये अकाउंटिंग लॉग्स सिस्टम इवेंट्स जो लॉग्स ट्रांजेक्शन्स के द्वारा जनरेटेड हुए, किसी भी एप्लीकेशन सिस्टम के लॉग्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लॉग्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लॉग्स हम देख सकते हैं। यानी कि डेटा है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पीछे हार्डवेयर या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट है, और उसके पीछे क्या है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। कंप्यूटिंग फैसिलिटी तो लॉग होगी नहीं, आपके हार्डवेयर तो लॉग रखेगी, सेव करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस का रास्ता देंगे, सॉफ्ट लॉग्स जो होंगे सॉफ्टवेयर के होंगे बेसिकली। तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो उसके लॉग्स हम देखेंगे और उनको उसका हार्ड कॉपी प्रिंट ले सकते हैं या उसकी सॉफ्ट कॉपी मेल के थ्रू मंगा सकते हैं। उसके अलावा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस टूल्स हैं। तो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, उसे एक बंदे से बोला कि आप मेल कर दो हमें डेटा, ऑडिटर यही करता है जनरली, कहता है कि मेल कर दो डेटा, आपकी मेल से आया डेटा, और फिर उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसके पास एक एनालिसिस टूल्स होते हैं, उनसे एनालाइज करता है। कल की डेट में वो बोलते हैं कि जी ये डेटा आपने कैसे रिलाई किया, बोला आप ही ने तो मेल से भेजा था, आप ही की मेल से आया, आपकी मेल से इतने बज के इतने मिनट पर मेरे पास आया, और इस मेल से मैंने ये डेटा लिया और इस डेटा को फिर मैंने, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में, जैसे पैरामीट्रिक सेटिंग्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि आप कोई पेरोल का सॉफ्टवेयर है, तो पेरोल सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर जो है जब कोई रिपोर्ट जनरेट करेगा उसके नीचे टाइम सिग्नेचर डाल देता है, टाइम इतने बजे इतने बजे ये रिपोर्ट निकली, तो वो उस एक पर्टिकुलर उसका फॉर्मेट होता है, तो वो आप जब भेजोगे तो उसके नीचे टाइम स्टैम्प वगैरह होगा, उस सिस्टम का टाइम स्टैम्प वगैरह होगा, तो ये आपके एविडेंस के रूप में काम करते हैं। फिर उसके अलावा प्रोग्राम लिस्टिंग, कंट्रोल डॉक्यूमेंट, जैसे बैच कंट्रोल जॉब शीट्स हैं, जब भी कोई बैच प्रोसेसिंग होती है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हफ्ते भर में प्रोसेस होता है, उसकी पूरी बैच बनती चली जाती है, हफ्ते भर में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन अपडेट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है और बैच प्रोसेसिंग होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग तो उसी समय अपडेट हो जाती है लेकिन बैच प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, कई सिस्टम्स जो हैं बैच प्रोसेसिंग में ही काम करते हैं, जैसे सैलरी पेरोल प्रोसेसिंग है तो आप बैच में ही काम करोगे, क्योंकि 7 तारीख को दोगे, 31 तारीख या 25 तारीख को उसको सैलरी को फ्रीज करोगे, तो बैच प्रोसेसिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी, उसमें क्या होता है बैच कंट्रोल जॉब शीट होती है, वो कंट्रोल करती है, वो ये कहती है कि उससे देखकर आपको पता चल जाता है कि ये डेटा एक्युमुलेटेड डेटा है, अगर मान लीजिए सपोज आपने आज 27 तारीख को देखा, आपने तो 27 तारीख तक का आपको डेटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रोसेस कर दोगे तो वो प्रोसेस नज़र आने लगेगा कि इसको तो हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो वो बैच जॉब कंट्रोल शीट होती है वो आपको बता देती है कौन सा प्रोसेस हुआ, कौन सा नहीं प्रोसेस हुआ। उसके अलावा सिस्टम डेवलपमेंट और टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इसके अलावा कई बार आपको कन्वेंशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। कन्वेंशनल ऑडिट प्रोसीजर्स में सबसे इजी ऑडिट प्रोसीजर्स है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप कोई चीज़ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, जैसे फिजिकल कंट्रोल्स का इंस्पेक्शन कर लोगे, एम्प्लॉई की प्रैक्टिसेस का ऑब्जर्व करोगे, इंटरव्यूइंग है, आप इंटरव्यू करोगे, बंदे को बुला लोगे, उसे पूछना चालू करोगे, और फिर क्या कहते हैं उसके साथ एक मिनट्स बना के उसको भेज दोगे कि आपने आपके साथ जो मिनट्स हुए उसमें आपने ये बोला,
आप मेल कर सकते हो उसको मैनेज, वो भी एक रिकॉर्ड बन सकता है। फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन कर सकते हो आप, मीडिया टेप्स का, सीडीज का, कि किस तरह से रखे जाते हैं उसमें, जब भी कोई मीडिया टेप्स है, पर्टिकुलर पीरियड का मीडिया टेप्स है, उसको सही तरीके से कैटलॉग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। रिटर्न पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइन देख सकते हो, बेंचमार्किंग रिपोर्ट्स देख सकते हो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, टेस्टिंग रिपोर्ट्स देख सकते हो। उसके अलावा क्या है, सिस्टम, जब हम बता रहे थे कि जब SDLC होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, तो उसमें एक सिस्टम फ्लो चार्ट बनता है, डेटा फ्लो डायग्राम बनते हैं, कंट्रोल चार्ट्स बनते हैं। अगर मान लिया सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से कोई सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा रहा है, तो आपके पास सिस्टम फ्लो चार्ट्स होंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स होंगे, कंट्रोल चार्ट्स होंगे, और पर्टिकुलरली उन सॉफ्टवेयर के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहे होते हैं। तो वो आप सिस्टम फ्लो चार्ट देख लो, डेटा फ्लो डायग्राम देख लो, कंट्रोल चार्ट्स देख लो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद क्या है कि आप मैनेजमेंट से इंटरव्यू लोगे और लोगों से लो इंटरव्यू लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में। आप मैनेजमेंट से लो तो मैनेजमेंट में आपको पता चल जाएगा कि कितनी नॉलेज है, और फिर मैनेजमेंट में अगर एक रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज है, तो वो लेवल ऑफ नॉलेज आपकी कैस्केड होती है, नीचे जाती है। उसके बाद क्या है, मिडिल मैनेजमेंट को देख लो। कई बार क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट में वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को उतना पॉजिटिवली मूव नहीं करने देना चाहते। वहाँ पर कई बार क्या होता है, ऑटोक्रेटिक आदमी बैठा होता है, एक आदमी सिंगल बैठा होता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो नहीं चाहता कि ऑर्गेनाइजेशन उसके कंट्रोल से बाहर जाए। तो कई बार वो बहुत पॉजिटिव काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले काम कर रहा होता है। कई बार क्या होता है कि वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और वो इसलिए, उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऐसा होता है, वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो न्यूरोक्रैट है, जो जब तक वो सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर लेगा, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और टेक्नोलॉजी तो हर मोमेंट में चेंज हो रही है, और हर मोमेंट में वो उसे लर्न कैसे करेगा, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस में कंट्रोल और डी कंट्रोल आएगा। मतलब चेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से लेकर आए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आए, ये तो आइडियल कंडीशन है, जो कि इस दुनिया में जनरली नहीं होती है। होता क्या है कि जब भी कोई चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपीटिंग फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पैसा बना रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो टाइम बचा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो सबकी जब सिस्टम आता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो वो जितने भी पुराने मगरमच्छ होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं सब चीज़ों से, क्योंकि उनकी अथॉरिटी एरोड होती है, उनकी वो रिलक्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका या तो उनको ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, या दिखाना पड़ेगा मैं काम कर रहा हूँ और रियल आउटपुट देना पड़ेगा, या वो कहीं से कुछ पैसा वैसा बना रहे होंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, या फिर वो एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो कोई ना कोई चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि बहुत से लोग हैं धीरे धीरे करते 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 वो एक लेवल तक पहुँच गए, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ एक चापलूसों की भीड़ क्रिएट कर देते हैं, मतलब अपने चारों तरफ कुछ ऐसे लोग क्रिएट करते हैं जो बेसिकली उनके यस मैन होते हैं, उनको कभी चैलेंज नहीं करते हैं। मतलब दो टाइप की लीडरशिप होती है, एक आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि एक बंदा बैठा होगा, उसके नीचे बंदे होंगे, उसे चैलेंज कर रहे होंगे, उसे बात कर रहे होंगे, एक डेमोक्रेटिक टाइप से चीज़ें होंगी, एक डिसीजन होगा और उस डिसीजन से आगे मामला चलेगा। और दूसरी लीडरशिप ये होती है कि एक ऊपर बंदा बैठा होता है, और अगर नीचे कोई कुछ कर रहे होते हैं, उसे साफ कर देते हैं। तो बेसिकली आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर आप इन ये सारी चीज़ें देखोगे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो लीडरशिप कौन सी है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगी तो आप उससे बात करोगे तो वो बड़े अथॉरिटेटिव वे में बात कर रहा होगा, बड़े उतनी ही बात करेगा जितना जिससे ये लगेगा कि ये आदमी पूरी कंट्रोल में है, क्योंकि कंट्रोल से बाहर होते ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर में उसको, आप उससे बात करोगे, उससे इंटरव्यू करोगे, मैनेजमेंट से इंटरव्यू करोगे, तो पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में है, ये किस तरह की लीडरशिप है। कई लोग बड़े वेलकमिंग होते हैं, कई लीडर्स मैंने देखे वो काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, वो सारी डाउन टू अर्थ होते हैं, सारी चीज़ें आपकी सुनते हैं, उससे उनकी नॉलेज भी इन्हेंस होती है, नहीं कोई चीज़ समझ में आ रहा होता है तो वो साफ साफ बोल देते हैं।
और वहाँ पर दूसरे टाइप की लीडरशिप होती है, ओपन लीडरशिप होती है। तो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का मैनेजमेंट है, किस टाइप के व्यक्ति हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और उनको देखते ही अगर आपने चार मीडियम मिडिल मैनेजमेंट के बंदे ले लिए, मतलब दो एडमिन के बंदे से आप बात कर लो, दो आईटी के बंदे से बात कर लो, दो फाइनेंस के बंदे से बात कर लो और दो टॉप मैनेजमेंट के बंदे से बात कर लो, तो आपको पता चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है। और फिर दो चार एक नीचे के बंदे से बात कर लो एग्जीक्यूटिव लेवल से, तो आपको पता चल जाएगा कितने गहरी पानी में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी एविडेंस लेने की प्रोसीजर है। कहने के मोटे तौर पर अगर बोले तो जो ऑडिट करेंगे वो ट्रेडिशनल ऑडिट ही जैसा होगा, लेकिन अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा हो गया, एक पर्टिकुलर नया एसेट खड़ा हो गया जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एसेट। अचानक वो रात को कफन फाड़ के निकल गया और बिल्कुल प्रकट हो गया। अब उसका ऑडिट करना है, उसके लिए एक स्पेशलाइज स्किल की चाहिए। उसमें क्या है कि एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक ही होनी चाहिए आज की डेट में, लेकिन क्या है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन उतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है तो गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, तो वो सारी उन सारी चीज़ों की वजह से कन्वेंशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी आपको लगाने पड़ेंगे और इससे आपको एविडेंस मिलेगा। और एविडेंस हमेशा, जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस होगा, उस एविडेंस का आप डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे ताकि उसको बाद में उस डॉक्यूमेंटेशन को आप दिखा सकें कि कोई भी ओपिनियन देंगे, क्योंकि उसी एविडेंस के बेसिस पर ओपिनियन देंगे। तो एविडेंस का फॉर्म जो होगा, जिसे फॉर्म, किस फॉर्म में आपने उस एविडेंस को रखा है, इलेक्ट्रॉनिक में रखा है कि पेपर में रखा है, दोनों में से किसी में आप किसी भी फॉर्म में उस एविडेंस को रखा जा सकता है। तो ऐसे एविडेंस जो हैं आप ऑडिट प्रोसीजर्स के एप्लीकेशन के बाद आपको मिलेंगे। और ऑडिट प्रोसीजर्स, हमने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, वो इंक्वायरी है, इंटरव्यू है, आप लोगों को बुलाते हो, उनसे बातचीत करते हो, इंक्वायरी करते हो, उनको क्वेश्चनर देते हो, ऑब्जर्वेशन से होता है, प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद प्रूफ्स लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेसेस को ऑब्जर्व किया, फिर उसका डेटा फ्लो, उसका फ्लो डायग्राम देख लिया, प्रोसेस फ्लो डायग्राम देख लिया, प्रोसेसेस के का एसओपीज मंगा लिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मंगा लिया, उसके बाद इंस्पेक्शन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्शन करोगे, नॉन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस दोनों का आप प्रोसेस इंस्पेक्शन कर सकते हो, फिर फाइंडिंग की कंफर्मेशन करते हो। उससे क्या है कि ऑब्जेक्टिव कोई इंटरनल सोर्स है या इंडिपेंडेंट सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है, सब चीज़ लेके आप उसका डॉक्यूमेंटेशन रखकर उसी एविडेंस के बेस पर अपनी फाइंडिंग दोगे। उसके बाद कई बार क्या होता है, आप चीज़ों को कन्फ्यूजन होता है तो रीकैलकुलेट करते हो, रीपरफॉर्मेंस करते हो, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो, मतलब कई जगह पर आपको लग रहा होता है यार यहाँ पर एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसको आप और ब्रॉडली देखोगे, वहाँ पर कई जगह पर आप इस चक्कर में एग्जॉस्टिव चेकिंग करते हो और कई जगह पर सैम्पलिंग करते हो, सैम्पल एक पर्टिकुलर सैम्पल ले लिया और उसी सैम्पल से अपना ऑडिट किया। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको हम कुछ तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो ये है, ऑडिटर ने बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस की ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर दी है। मालूम पड़ा आपने कई लोगों 15 लोगों से इंटरव्यू किया और आपको कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आई और आपने कहा यार इसका एविडेंस बनाना है, ये तो कहीं पर से किसी से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मांगे, एसओपीज मांगे या प्रोसेस चार्ट्स मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी चार्ट्स हम नहीं देंगे आपको, हमारे पास है ही नहीं, हमने बनाए नहीं, या नहीं देंगे तो नहीं कह सकते, हमारे पास है ही नहीं और हमने बनाए नहीं, सपोज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट्स अवेलेबल ही नहीं। अब क्या होता है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग की और अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट किया और मेल भेज दिया कि भाई ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसी के अनुसार मैं आगे चल रहा हूँ, तो वो एक इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन कर ली है और साथ में उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया, एविडेंस के रूप में बना दिया है। भाई हमने मैनेजमेंट को भेजा, हमने स्टार्टिंग में बोला कि ये चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अब आप बताओगे ना कि अगर अंडरस्टैंडिंग में गलती है तो आप उसे करेक्ट करोगे, अदरवाइज द अंडरस्टैंडिंग विल स्टैंड एज इट इज़। और कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट से हम रिप्रेजेंटेशन मांग लेते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप दे दो, आप ये बना दो, और कई बार कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, हमें लगता है मैनेजमेंट नहीं बता पा रहा है, सही तरीके से नहीं बना पा रहा है, तो हम उसे मेल भेज देते हैं कि ये हमारे
उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शीट्स कलेक्ट करते हो, एक्सेल शीट्स, वर्ड शीट्स, पीडीएफ फाइल्स, ये सारी चीज़ें ऑडिट एविडेंस के रूप में आप कलेक्ट करते हो। तो इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि आपने कहा जी एक्सेल शीट में सारा डेटा भेज देना, तो एक्सेल शीट में आपको मेल आ जाती है। तो मेल कल की डेट में उस शीट में कोई प्रॉब्लम बोलेगा, कोई बंदा बोलेगा यार ये मेल में शीट में ये है, तो आप बोल सकते हो कि ये तो आपके ही मेल से आई है, आपके मेल है, आप मेल चेक कर लो, उसमें से ही डाउनलोड की गई है। इसके अलावा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं, मैनेजमेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है, डिक्लेरेशंस होते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, ऑडिट कमेटी के, स्टीयरिंग कमेटी के मिनट्स होते हैं, और आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हो। पर्टिकुलर इशू में आप कह सकते हो कि भाई मैनेजमेंट कहीं पॉलिसी नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मांग लेते हो। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, आप उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मेथड्स हैं आपके इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के। तो ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के जो ये मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ही हैं, बस इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एनालिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ली जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिनट्स ऑफ ऑडिट कमेटी की मीटिंग के डॉक्यूमेंट लिए जा सकते हैं, कहा जा सकता है कि आप मेल कर दो, स्टीयरिंग कमेटी के मिनट्स हैं उसे मेल कर दो। इसके अलावा हमारी स्टडी बड़े भारी भरकम शब्दों में ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को टेम्पर किया जा सकता है, क्योंकि बिना ट्रेस के उसको टेम्पर किया जाता है, कहा जा सकता है एब्सेंस ऑफ कंट्रोल हो सकता है, तो वैल्यूज़ को डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि जो डेटाबेस वगैरह है उसमें डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होने चाहिए। सबसे पहले आप जाते देखोगे प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, उसके बाद डेटा लोगे। उसके बाद क्या है कि हमारी स्टडी बोलती है कि जब भी एविडेंस आप लोगे तो एविडेंस ऐसे लोगे कि उसमें टाइम या सोर्स जो है उसको रिट्रोस्पेक्टिवली रिट्राइव किया जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है। कहने मोटे तौर पर वो ये कहना चाहता है कि जब भी कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन भेजे और कल की डेट में बोले ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं थी, तो आप उसे वेरीफाई कर सको। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन मेल से आए तो बेटर होता है, मेल्ड इन्फॉर्मेशन बेटर होती है कि मेल से भेजो। आप मेल भेजोगे तो मेल में आप वो कहेगा कि जी, अगर वो कहेगा ये मेल मैंने, ये तो आपकी मेल में कुछ टेम्परिंग होगी, अगर ये भी कह सकता है, वैसे ऐसा कहेगा नहीं, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल कंडीशन में, तो आप उससे कह सकते हो अपना सेंड आइटम दिखाओ कि आपने इतने बज के इतने मिनट में क्या मेल भेजी थी। और पर्टिकुलरली क्या होता है कि कई बार आप क्या करोगे कि अगर मान लिया सपोज ऑर्गेनाइजेशन में मेल है, अगर वो आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने वो अपने मेल सर्वर से आपके मेल सर्वर में इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अगर आपके पास सेपरेट मेल सर्वर नहीं, आप छोटे ऑडिटर हो, तो आप जीमेल का यूज़ कर सकते हो, इन सब का यूज़ कर सकते हो, ताकि वो कभी कह ही नहीं सकता कि भाई ये मेरी मेल आईडी से आपने जीमेल में टेम्परिंग की, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर एक रीज़नेबल रिलायंस हो जाता है कि भैया तुम्हारे द्वारा इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, मैंने तुमसे ही इन्फॉर्मेशन मंगाई। अगर आप किसी सिस्टम से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, मालूम पड़ा एक पेरोल सिस्टम है, वहाँ से कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि कंट्रोल्स हैं कि नहीं कंट्रोल्स हैं। पहले आप देखोगे कि जब मेल, जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इस पेरोल से या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, ऑर्गेनाइजेशन से, वो टाइम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में और उसके नीचे टाइम वाइम सब लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड में इन्फॉर्मेशन लिखी निकली और उसमें सोर्स का स्टैम्प और टाइम का स्टैम्प होता है कि नहीं होता है। उसके बाद आप ये कहोगे कि जी अगर ये इन्फॉर्मेशन से निकाल रहा हूँ तो मेरे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि ये अगर मैं इसमें से रिट्राइव करूँ तो और डायरेक्टली ये मुझे मेल कर दे, यहाँ से आपके सर्वर के थ्रू मेल कर दे। यानी कि अगर मान लिया सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मेल सर्वर है आउटलुक का मेल सर्वर, और उसका नाम मान लिया सपोज एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन है, या सपोज उसका रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके जो भी डेटा पुल आउट करो उनके सिस्टम से, वो रिलायंस .com वाले सर्वर से होते हुए वो रिपोर्ट आपको रूट आउट हो।
ताकि आप कहो कि जी जो इन्फॉर्मेशन निकली वो आपके सिस्टम से निकली, आपके मेल सर्वर में गई और फिर जी मेल में गई या मेरे मेल सर्वर में आई, और फिर अगर आप KPMG के हो या अर्न्स्ट एंड यंग के हो या कोई भी कंपनी के हो, पर्टिकुलर कंपनी के हो, तो वहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ से होते हुए मेरे मेल सर्वर में आई, तो वहाँ एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और जब आप उसको डाउनलोड करोगे, उसका अटैचमेंट ओपन करोगे, तो अटैचमेंट में वो रिपोर्ट दिखाई देगी और इतने बज के इतने मिनट में निकली निकालेगी, बाई दिन के 6 बज के, या 6 बजे तो नहीं, उसमें 6 तो लिखा नहीं हुआ, अगर 6 + 12 = 18 लिखा हुआ आएगा, 18 बज के 6 बजे तो छुट्टी हो जाती है, 4 बजे सपोज़ मान लेते हो, तो 16 बज के 35 मिनट 23 सेकेंड में ये रिपोर्ट निकली। इस तरीके से वो रिपोर्ट के नीचे टाइम स्टैम्प होगा, तो उसे ये पता चल जाएगा कि जो एविडेंस है वो सही एविडेंस है। सही मतलब नहीं, रिलायबल एविडेंस है। सही वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करना चाहिए, रिलायबल एविडेंस, एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए एविडेंस में, सफिशेंसी और अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा की बात आता है, तो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी आती है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि जो हमारा ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट तक भी लाए जा सकते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के, वो इसमें स्ट्रेच किए जा सकते हैं। और ये बात सही है, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के 95% प्रिंसिपल्स आप एक्सटेंड कर सकते हो, 95 से भी ज़्यादा, मतलब मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ऑडिट ही तो कर रहे हो। एक स्पेशल एसेट अचानक पैदा हो गया, एक सुबह आप उठे और आपने कहा एक नया एसेट पैदा हो गया, उस एसेट का नाम इन्फॉर्मेशन एसेट है, या उस एसेट का नाम डेटा है, डेटा या इन्फॉर्मेशन एसेट या इन्फॉर्मेशन सिस्टम है पूरा, वो एक नया एसेट पैदा हो गया, नो डाउट उसको आपको ऑडिट करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स और कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है। तो लेकिन ऑडिट, मोस्ट ऑफ द ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स और अप टू 97 मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अबाउट मैं कई बार तो मेरे को लगता है कि 98% या 99% तक का ऑडिट स्टैंडर्ड्स आपके इसमें लगेंगे, और बेसिक प्रिंसिपल्स तो लगेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑडिट को गवर्न करते हैं वो यहाँ पर भी गवर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी स्टडी कहती है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ये कहता है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, क्योंकि उसे रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट देने के लिए एविडेंस होना चाहिए, रिपोर्ट उसकी क्वेश्चन हो सकती है, तो उसको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, उसको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, मैंने रिपोर्ट दी इन चीज़ों के बेसिस पर थी, तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ऑडिट हो रहा था, ये जो आपका ये कंपनीज होती हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो एक उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर ऐसा है कि आपका लाइट चली जाती है, हिंदुस्तान में लाइट चले जाने का बहुत चलन है, तो जब लाइट चले जाती है तो हिंदुस्तानी बहुत क्रिएटिव हैं, वो क्या करते हैं, जेनसेट लगा देते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जेनसेट लगा देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर पैसे ही खाने का बड़ा अच्छा वो जाता है, क्योंकि जेनसेट डीजल यूज़ करता है। अब जेनसेट की एक लिमिट होती है कि भाई क्या है आपकी जेनसेट की एवरेज क्या है। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो ऑडिट कर रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसको डीजल में काफ़ी घपला दिखाई दिया, तो उसने क्वेश्चन पूछने शुरू किए मेल में कि भाई आपका एवरेज डीजल की कैपेसिटी क्या है, कितना, सॉरी, एवरेज पर लीटर डीजल में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितना घंटे ही चलता है। तो उसने डेटा निकाला तो उसे हैरानी हुई कि जो उन्होंने एवरेज बताया था उसको भी, जो पेसिमिस्टिक एवरेज पूछा उसने, फिर ऑप्टिमिस्टिक एवरेज पूछा, जो पेसिमिस्टिक एवरेज है उससे भी वो नीचे चला गया। उसने कि 1 लीटर डीजल इतने देर तक जेनसेट चलाएगा, उससे भी नीचे चला गया वो, जो उन्होंने मील में उसको रिवर्ट बैक किया था। तो उसने कैलकुलेट किया तो उसके अनुसार एक जो आपका जेनसेट है वो कम से कम एक दिन में 30 घंटे चलना चाहिए, लेकिन एक दिन में 30 घंटे नहीं होते,
उसने पूछना चालू किया। और जब मीटिंग बैठी तो उसने पूछा कि भाई ये एवरेज कितना है, उन्होंने कहा इतना एवरेज हुआ, उन्होंने कहा इतना लीटर यहाँ पर से डीजल आया, इतना लीटर डीजल आया, तो ये आपके लॉग्स तो बता ही नहीं रहे हैं, तो डीजल की एफिशिएंसी या तो इतनी है, इनएफिशिएंसी डीजल की जो है इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, या फिर डीजल कित, तो उन्होंने कहा इतनी नहीं है, इतनी इतनी है, तो उन्होंने कहा डीजल कितनी देर चल सकता है, 15 घंटे चल सकता है, 16 चल सकता है, 17 चल सकता है, उन्होंने कहा 17 भी चल सकता है, झूठ बोला। तो उन्होंने कहा एक दिन में 30 घंटे थोड़ी चल सकता है, जो जो आपका जेनसेट है वो एक दिन में 30 घंटे थोड़ी चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, आप उन्हीं लोगों से डॉक्यूमेंटेशन मंगाओगे, उन्हीं के रिकॉर्ड्स पर काम करोगे, उन्हीं के एस्टिमेशन उनसे मंगाओगे, और उन्हीं एस्टिमेशन से कैलकुलेट करके उनको कैलकुलेशन दोगे, और फिर उन्हीं से पूछोगे कि ये कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ है, मतलब मेरी कैलकुलेशन तो इस चीज़ के बेसिस पे है, तो मुझे लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, या यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल लैक्स है, तो उसी के हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा। तो बेसिकली हमारी स्टडी यही कहती है, मेरी हमारी स्टडी ये बोलती है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में बोलती है, और सबसे पहले ये बोलती है कि आपको ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस को लेने के लिए आपको कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, और उससे रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, और रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करके कैसा कैसा कंक्लूजन, रीजनेबल कंक्लूजन जो रीजनेबल आदमी उसे समझ सके, रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और उसी पर अपनी ओपिनियन बेस करोगे। और दूसरा चीज़ वो ये बोलती है, कंप्लायंस प्रोसीजर्स जो होते हैं वो इंटरनल कंट्रोल, वो ये कंप्लायंस प्रोसीजर जो होते हैं ये बताते हैं कि आपका इंटरनल कंट्रोल रीजनेबल है कि नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। इसी तरीके से सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो हैं वो एविडेंस जो उससे हम जो एविडेंस लेते हैं तो वो इस उसमें कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होनी चाहिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इसमें हमें हेल्प करता है। तो उसके बाद हमारा वो स्टडी फाइनली आगे ये बताती है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट रेशियो ट्रेंड्स देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट रेशियो ट्रेंड से आपको पता चल जाएगा कि कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम्स तो नहीं है, तो उसके बाद फिर वो आप ज़्यादा ऑडिटिंग कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो, वहाँ पर वीकनेसेस या इनएडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आप बात कर सकते हो। और उसके अलावा ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस आप देख सकते हो। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व है तो आप एप्लीकेशन कंट्रोल्स, इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स, इनको टेस्टिंग के लिए टेस्ट कर सकते हो कि फाइनेंशियल वैल्यू सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जो आनी चाहिए है वो आ रही कि नहीं जा रही हैं, तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल चेक कर सकते हो। ये चीज़ हमारी स्टडी बताती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टडी कहती है कि मोस्ट ऑफ जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल क्यों होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक नया एसेट पैदा हो गया है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट स्किल सेट की ज़रूरत है, वो बात अलग है, लेकिन वो भी एक एसेट ही है, वो भी अ टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट है जो पैदा हो गया, और उसके पीछे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट की का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग फैसिलिटी, आईटी फैसिलिटी है, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट है, आईटी फैसिलिटी है। तो नॉर्मल तरीके से ही ऑडिट करेंगे हम, ऑडिट एविडेंस लेंगे, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए, इन्हीं ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे। ऑडिट एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, एविडेंस लेने के कई तरीके से हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ फाइंडिंग हो सकती है, और उसके अलावा जो है आप ब्रॉडली उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करके आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की, ऑडिट एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ले लिया या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लिया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मंगा लिया या मिनट्स ऑफ द मीटिंग और पॉलिसी प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें मंगा ली। उसके बाद ऐसा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर से अप्लाई करके आपने निकाल लिया। तो बेसिकली अगर समराइज किया जाए तो ऑडिट एविडेंस के बारे में हमारी स्टडी बोलती है
और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ऑडिट एनवायरनमेंट के लिए ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करती है। मोटे तौर पर वो ये बोलती है कि एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें चल रही हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखना पड़ेगा। बाकी सारे जितने भी ऑडिट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड के, वो अप्लाई होंगे। मतलब ऑडिट उसी तरीके से होगा, ऑडिट में जो मेथोडोलॉजी वो चेंज हो सकती है, जो सॉफ्टवेयर जिससे ऑडिट कर रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं, एनालिसिस करने के टूल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव मोटे तौर पर वही रहता है, बेसिक प्रिंसिपल्स भी वही रहते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो जाता है, मेथोडोलॉजी में चेंज आ जाता है, टूल में चेंज होता है हो जाता है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करने लगते हो और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का आप यूज़ करते हो। थैंक्स।